प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रशिया जो है उसने इंडिया को ये ऑफर किया है। मैं देख रही थी काफ़ी जगहों पर आया, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। रशिया ने इंडिया को ये ऑफर की है कि वो, क्योंकि उसने यूक्रेन के मामले पर रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया और यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया और उसने अपना एक दोस्ती का हक निभाया, तो इस बिना पर रशिया ने इंडिया को ऑफर किया कि वो 25% लेस, यानी कि 25% डिस्काउंट पर उनसे क्रूड ऑयल खरीद सकता है। मेरा सवाल ये है कि रशिया अगर इंडिया को ये दे सकता है तो पाकिस्तान तो एक ऐसे मौके पर, इमरान खान गए वहाँ पर जिस वक्त के बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल थी, बड़ा क्रूशल मोमेंट कि वो वहाँ पर हमला कर रहे हैं यूक्रेन पर और हमारे वजीर आजम वहाँ पर बैठे हुए हैं, एक मुल्क पर हमला हो रहा है, उसी मुल्क में बैठे हैं जो हमला कर रहा है, इसके बावजूद हमने ट्रिप कैंसिल नहीं किया। ठीक है, हम ये चाहते थे कि ओके जो भी था, तो प्रेजिडेंट पुटिन है उनको पहले तो पाकिस्तान को ही ऑफर करना चाहिए था कि आप हमसे 25% लेस पर जो है ले सकते हैं, हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आपने इस मौके पर अब हमारे साथ खड़े हुए। ऐसे ही होता है, इसीलिए तो जाया जाता है कि इस तरह की जो है वो सहूलतें मिले, हमारे साथ खड़ा हो दूसरा कंट्री। इंडिया को उन्होंने ये ऑफर कर दी रशिया ने कि आप हमसे डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये ऑफर नहीं की उन्होंने, इसके बावजूद कि हम उस दिन उनके साथ खड़े थे, हमारे वजीर आजम, जिस दिन वो यूक्रेन पर हमला कर रहे थे, जबकि इंडिया ने सिर्फ उनको न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल भी रहे और वहाँ पर विजिट भी किया, फिर भी उन्होंने, रशिया ने उनको डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल ऑफर किया और हमें नहीं किया। तो वजीर आजम साहब से हम पूछते हैं, भाई चलें अगर आप गए तो ठीक है, ओके हम कहते हैं कि आपकी आप पॉलिसी, आपका हक है बनाना, अपनी हुकूमत में आपने बनाई ये वाली पॉलिसी, लेकिन फिर ऐसा तो भी कीजिए कि पुतिन से पूछिए, आप प्रेसिडेंट साहब से पूछिए कि क्यों नहीं आपने हमें ये वाली ऑफर दी, हमें भी दीजिए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत मिल जाए। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसलिए पूछें कि हमें सहूलत मिल जाए और कोई ऐसी, हम कोई तनकीद नहीं करें कोई ऐसा सच। इंडिया मीडिएट कर सकता है, और इंडिया का दोनों साइड एक एक तरीके की एक जिसे बोलते हैं टू ग्रुप्स, दो ग्रुप बने हुए दिख रहे हैं हमें साथ। एक रशिया चाइना जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पहले से साथ हैं, एक नेटो एंड यूएस वो पहले से साथ हैं। ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स में हमें एक चीज की क्लैरिटी बड़ी अच्छी आ रही है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, मतलब ये कम होने वाली नहीं है, इसमें टेंशन बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसे सूरत हाल में इंडिया पहले भी कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइंड था और अब भी शायद नॉन अलाइंड वाली भूमिका निभा रहा है, और ऐसे में जो इमरान खान है वो चाहते हैं कि वो इंडिया से कंपेयर कर लें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर है, एक मिलिट्री माइट है। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो भी बहुत अच्छी है, चाहे वो रशियन प्रेसिडेंट हो उनसे, चाहे वो बाइडेन हो उनसे, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो ट्रंप हो, सबसे अच्छी रही है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में पर्सनल जो रेपो होती है वो बहुत मैटर करती है। लेकिन रशिया ने कुछ और भी आप लोगों को ऑफर की है, आई थिंक कुछ ऑयल वगैरह की बात हो रही थी और 25 या 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो क्या बात है? ये अभी हाल में ही एक न्यूज आई है कि डिस्काउंट ऑफर किया है कुछ कंपनीज, रशियन ऑयल फर्म्स ने 25% से 27% ऑयल ब्रेंट क्रूड पर। इंडिया ब्रेंट क्रूड इंपोर्ट नहीं करता है, और अगर ब्रेंट क्रूड पर रशियन कंपनीज हमें ऑयल दे रही हैं डिस्काउंट पे, दैट मींस कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक बेनिफिट है दोनों कंट्रीज को, क्योंकि स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, यूरोप ने उनसे अपने कन्ने काट लिए हैं। हालांकि जर्मनी या यूरोप अब भी $1 बिलियन पर डे का की गैस खरीद रहा है रशिया से, और $1 बिलियन पर डे का पेमेंट हो रहा है। उसके बाद भी अगर वो हमें ब्रेंट क्रूड देना चाह रहे हैं, हम तो सऊदी अरेबिया से या गल्फ से क्रूड लेते थे जो कि लोअर क्वालिटी का होता था, ब्रेंट क्रूड बेटर क्वालिटी का होता है। अगर हमें ब्रेंट क्रूड मिल रहा है और वो भी 25% डिस्काउंट पे जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, और इंडियन इकोनॉमी को भी उससे बूस्ट मिलेगा और बाकी इंडिया के और रशिया के रिलेशंस भी बेटर होंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो डेवलपमेंट है, और ये डेवलपमेंट कहाँ जाएगी और इस पर पूरी वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करेगी, और सबसे पहली चीज इंडिया इसको कैसे लेगा। इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया को चीप ऑयल मिल रहा है, इंडिया को इसको पिक कर लेना चाहिए, इंडिया को महंगे ऑयल के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी तक इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब देखते हैं कब तक रिस्पॉन्ड होगा, कैसे होता है, ये अभी टाइम लगेगा इसमें। लेकिन रशिया और अमेरिका में बैलेंस कैसे रखेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका तो काफी नाराज है और अमेरिका ने काफी हद तक जो है पाकिस्तान के ऊपर भी कई तरह की बात भी की है और कई तरह के, जिसे कहना चाहिए, कह
कि हमें फाइन भी लगा दी हमारे नेशनल बैंक को, और उससे वो ये बता रहा है कि हमारे यहाँ से जो इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका विजिट जो था रशिया का वो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका के साथ भी टर्म्स बहुत अच्छे हैं इंडिया के और रशिया के साथ भी अच्छे हैं, तो ये दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया बैलेंस कैसे करेगा? बैलेंस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया इस यूक्रेन क्राइसिस से पहले भी बैलेंस कर ही रहा था। हमारे पास अमेरिका से ड्रोन्स आ रहे थे तो हमने S-400 खरीदा था रशिया से, और हमारे ऊपर S-400 खरीदने पर टर्की पर सैंक्शंस लगे, इंडिया पर नहीं लगे।